शाहरुख खान को कल पटना में गए, काफी भोजपुरी लोग खुश हो गए हैं, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ रेडी, आइए पोजीशन, लेट्स चेंज हुआ, भोजपुरी खुश है। हाँ तो ब्लॉक एग्जिट कर, भोजपुरी वाले खुश है इसलिए कि शाहरुख खान ने भोजपुरी कल्चर को पहले अपना इस्तेमाल किया है और भोजपुरी से जुड़े रहे हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली तो उन्होंने कोई फिल्म में शायद काम नहीं किया। आपका सपना कभी रहा शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने का? ऐसा सपना तो नहीं रहा, लेकिन जब भी देखा उन्हें तो मुझे बहुत अच्छा लगा। डांसर बॉय, इस पुगलो को थोड़ा भी सेंस है, शूटिंग लेट स्टार्ट हुआ है, जल्दी खत्म करना है, करते हैं, बार बार लोकेशन छोड़ के जाते हो तुम लोग। ये जरूर रहा है कि एक रियल टैलेंट है, अपने देश के सारी जनता ने जो एक्सेप्ट किया है, तो मैंने बात है, बिना बात की कोई बात नहीं होती। भोजपुरी गाने पर डांस भी किया उन्होंने? हाँ भोजपुरी पर डांस किया है, कारण है आधा हिंदुस्तान बिहार है, तो आधा हिंदुस्तान तो उनके हाथ में होना ही चाहिए, ऐसे तो है, लेकिन एट प्रेजेंट इधर थोड़ी डिटोरिएट होने लगी है, खास करके दो पिक्चर फैंस और ये जीरो, तो फैंस और जीरो ने शाहरुख खान की साख को थोड़ा सा बट्टा लगाया है, उस बट्टे को शायद पूरा करने के लिए वो कहा जा रहा है कि कल फैंस के प्रचार बहुत हुआ और आज बिहार का थिएटर फुल हो गया है फैंस को लेके। किसका? फैंस का, बिहार में फैंस का। हाँ, उन्होंने फैंस का प्रचार भी किया बिहार में। हाँ, और वो जुड़ना चाह रहे हैं, अब चाह रहे जिम्मी के सामने का फ्लैपेट है, जो हमारे मेन दर्शकों का गढ़ है। जीरो का प्रमोशन फैंस के बीच में उन्होंने किया। हाँ, तो बिहार के लोग जो है सो भावुक होते हैं और ये गए हैं तो इसका बहुत फायदा को मिलेगा, सारे ऑडियंस टूट पड़ेगी उनकी फिल्मों पर। अभी कौन फिल्म शूटिंग कर रहे हैं आप? मैं तो अभी काजल की शूटिंग कर रहा हूँ। अरे ज्यादा बार हो गया, कौन कौन है इसमें? इसमें है काजल, थोड़ा और कैमरा राइट पर नीचे वाला यादव है और हीरोइन, हाँ ये आदित्य आजा गेस्ट अपीयरेंस कर रही है, बाकी अनु अरोड़ा है, माया यादव है, पुष्पा शुक्ला है और बहुत सारे मेजर आर्टिस्ट इसमें अच्छे अच्छे हैं। भोजपुरी फिल्मों को एक नया आयाम, एक डिफरेंट फिल्म है, डिफरेंट टेस्ट की भोजपुरी फिल्म है, पढ़े लिखे लोग इससे जुड़े हैं। लोग आगे आएंगे तो फॉलो कर लीजिए। बिहार की सारी लड़कियाँ, आइए रेडी, गर्ल्स कॉलेज है उसमें पढ़ने वाली लड़कियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। और कब तक ये फिल्म रिलीज होगी आपकी? ये मुझे लगता है मार्च तक हो जाएगी। और कितने दिन तक अभी शूट चलेगा मुंबई में? ये अब काफ़ी हद तक पार कर गई है, कुछ गाने हैं वो कर लेने हैं और कुछ क्लाइमेक्स के सीन है वो सब हो जाए। काजल और आदित्य की जोड़ी कैसी है इसमें? अच्छी है, क्योंकि आदित्य भी एक सेंसिटिव लड़का है, इमोशनल है, और काजल जो है इसमें काजल का एक डिफरेंट रूप आएगा, जबकि इसमें पहले कई फिल्में की हैं ससुराल और रेडी काजल गर्ल्स, लेकिन इन सब से हट के इसमें उसका रोल है। और काजल रोल कैमरा, काजल बहुत न्यूज छोटा फिल्म अंदर, आप सुने भी होंगे कि इस काजल के और बाद से कई फिल्में मिली। थैंक यू सर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.